तो फ्रेंड्स, हमने राजस्थान के इतिहास का, आधुनिक इतिहास का नया टॉपिक शुरू किया, राजस्थान की 1857 की क्रांति। तो मित्रों, आज हम राजस्थान की 1857 की जो हमारी क्रांति का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमने उसके बारे में मित्रों जान लिया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और राजस्थान में कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो मित्रों, नसीराबाद से इसकी शुरुआत होती है। तो मित्रों, हम राजस्थान की क्रांति के बारे में आगे जानते हुए अब नसीराबाद छावनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो सबसे पहले 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद छावनी से होती है। और नसीराबाद छावनी में मित्रों क्रांति जो शुरू होती है वो 28 मई 1857 को सबसे पहले शुरू होती है। मित्रों, पहली जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें जिक्र किया मंगल पांडे का। मित्रों, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया, लेकिन ये भारत का सबसे पहली विद्रोही घटना थी 1857 की क्रांति की। मित्रों, मंगल पांडे को भारत का पहला शहीद कहा जाता है 1857 की क्रांति का। लेकिन राजस्थान का जो पहला शहीद है 1857 की क्रांति का, वो है अमरचंद बाटिया। मित्रों, अमरचंद बाटिया को राजस्थान का 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों को, महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर नेतृत्व किया क्रांतिकारियों का, इनको आर्थिक सहायता पहुंचाई। इसी कारण मित्रों अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है फांसी दी सबसे पहले। मित्रों, इनको ग्वालियर में इनको फांसी दी गई, और ये ग्वालियर के नगर सेठ थे, बहुत ही अच्छे सम्राट परिवार से संबंधित थे अमरचंद बाटिया। मित्रों, अब जानते हैं कि राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी। तो मित्रों, राजस्थान में 1857 के टाइम में जो सैनिक छावनियां थी वो थी 6। मित्रों, इन 6 में से 2 सैनिक छावनियों खेरवाड़ा और ब्यावर ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। मित्रों, यद्यपि इन दोनों जो छावनियां थी 6 में से खेरवाड़ा और ब्यावर, मित्रों खेरवाड़ा उदयपुर ज़िले में थी और ब्यावर जो थी वो अजमेर ज़िले में थी, इन्होंने क्रांतियों में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मित्रों, इन 6 की 6 जो छावनियां थी राजस्थान में, यहाँ पर जो सैनिक थे वो भारतीय थे और यहाँ जो अधिकारी थे वो अंग्रेज़ थे। मित्रों, अंग्रेज़ अधिकारी थे और सैनिक जो थे वो हिंदू थे या भारतीय थे, तो इसका क्या कारण था। मित्रों, अंग्रेज़ जो थे वो भारतीय सैनिकों को सूबेदार से ऊँचे जो पद थे वो नहीं देते थे, इसलिए यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वही बड़े अधिकारी होते थे, बाकी जो भारतीय थे वो छोटे पदों पर रहते थे। इसलिए इन सैनिक छावनियों में जो सैनिक जो थे वो भारतीय थे और उनके ऊपर जो अधिकारी थे वो अंग्रेज़ थे। मित्रों, इस कारण भी सैनिक जो छावनियां थी या भारत, मतलब जो सैनिक थे भारतीय सैनिक, उनमें अंग्रेज़ों के प्रति द्वेष की भावना जन्म ले रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ थे ये भारतीयों को ऊँचे पद पर नहीं आने देते थे। मित्रों, यहाँ पर जो छावनियाँ थी उनमें पहली छावनी थी नसीराबाद। मित्रों, नसीराबाद अजमेर ज़िले में पड़ती है और नसीराबाद का जो एजीजी था, यहाँ पर नसीराबाद में जो एजीजी था वो था पिचियाक, या पिचियाड भी कह सकते हैं मित्रों इसको। ये पिचियाड जो था वो अंग्रेज़ अधिकारी था यहाँ पर, इसको एजीजी नहीं, एक हिसाब से इसको मित्रों यहाँ का अंग्रेज़ अधिकारी हम कहेंगे। और नसीराबाद जो है मित्रों अजमेर ज़िले में आता है। इसके बाद जो दूसरी सैनिक छावनी थी राजस्थान की वो थी ब्यावर। मित्रों, इस ब्यावर ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। मित्रों, तीसरी जो छावनी थी वो थी नीमच, और इस नीमच जो छावनी थी मित्रों, इसका जो अंग्रेज़ अधिकारी था वो था एबाट। और मित्रों, ये जो नीमच है हमारे आजकल जो राजस्थान में नहीं आता है वर्तमान में, ये जो नीमच है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में आता है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं एरिनपुरा की। एरिनपुरा जो है वो जोधपुर मारवाड़ में पड़ता है और एरिनपुरा में ही बहुत भयानक विद्रोह हुआ राजस्थान में। चौथी मित्रों जो छावनी थी वो थी देवली टोंक। ये जो देवली है मित्रों टोंक ज़िले में पड़ता है और यहाँ पर विद्रोह हुआ 1857 का। पांचवी जो छावनी थी वो थी खेरवाड़ा। मित्रों, खेरवाड़ा की जो छावनी थी वो उदयपुर ज़िले में पड़ती है और इस छावनी में भी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। मित्रों, छठी छावनी जो है वो है हमारी, सभी छावनियाँ मैं आपको बता चुकी हूँ,
छः की छः छावनियाँ। तो अब हम पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी में विद्रोह कैसे होता है। मित्रों 28 मई 1857 की बात है कि राजस्थान में यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। मित्रों मैंने आपको बताया कि बख्तावर सिंह जो है यहाँ के जो क्रांतिकारी सैनिक होते हैं उनका नेतृत्व तो करता है इस क्रांति में, विद्रोह में। और ये बख्तावर सिंह जो है मित्रों यही जो है यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करता है। कारण क्या होता है कि मित्रों पिचियाड़ जो नसीराबाद छावनी का सैनिक अधिकारी होता है, इससे बख्तावर सिंह अपने मतलब विश्वास, ये जो पिचियाड है इससे बख्तावर सिंह पूछता है कि क्या आप अंग्रेज लोगों को, हम हिंदू सैनिकों पर या भारतीय सैनिकों पर विश्वास नहीं है। तो मित्रों ये जो पिचियाड होता है इस बात का संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाता। इसी संतोषप्रद जवाब न देने के कारण जो 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है ये अजमेर से आती है मित्रों, और अजमेर से इसको नसीराबाद भेजा जाता है, क्योंकि जो पैंथिक लॉरेंस जो एजीजी होता है राजस्थान का, उसको इस 15वीं नोटी नेटिव इन्फेंट्री पर विश्वास नहीं होता। इसी कारण मित्रों इनको नसीराबाद में इनको तैनात किया जाता है, और वहाँ तैनात करने के बावजूद भी मित्रों इन पर नज़र रखी जाती है, इन पर गश्त लगाई जाती है। इस कारण मित्रों ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक होते हैं इनको इस बात का अंदेशा हो जाता है कि अंग्रेज़ों को हम पर विश्वास नहीं है और अंग्रेज जो है हम पर अविश्वास की दृष्टि रख रहे हैं। मित्रों इसी कारण जो बख्तावर सिंह है वो पिचियाड से अपने अविश्वास का कारण पूछता है, लेकिन पिचियाड जो है उसका संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाता। मित्रों इसी कारण क्या है कि बख्तावर सिंह जो है यहाँ पर विद्रोह कर देता है, और बख्तावर सिंह के साथ साथ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सभी सैनिक होते हैं वो बख्तावर सिंह के साथ मिलकर और इस नसीराबाद छावनी में भयंकर विद्रोह को परिणाम देते हैं। मित्रों 28 मई 1857 को 3 बजे ये विद्रोह शुरू होता है दोपहर में, और 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है वो मित्रों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का साथ देती है। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का इस विद्रोह में साथ देती है। मित्रों इस विद्रोह में दो अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम होता है मेजर स्पोर्टिव वुड, एक का नाम क्या होता है मित्रों मेजर स्पोर्टिव वुड और दूसरे का नाम होता है न्यूबरी, इन दोनों अधिकारियों की ये विद्रोही जो होते क्रांतिकारी जो सैनिक होते हैं इनकी हत्या कर देते हैं और यहाँ पर इस छावनी को लूट कर मित्रों ये 18 जून 1857 को दिल्ली पहुँचते हैं। मित्रों दिल्ली पहुँचते हैं सैनिक, और जो अफसर यहाँ अंग्रेज अफसर तैनात होते हैं इस छावनी में वो यहाँ से डर कर भाग कर ब्यावर चले जाते हैं। मित्रों इस ऐसे जो हालात हैं वो वहाँ इस छावनी में पैदा हो जाते हैं। मित्रों विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखी है, इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है, और इन्होंने मित्रों नसीराबाद छावनी की क्रांति का विद्रोह करते हुए बताया कि यहाँ पर जो 15वीं रेजिमेंट थी जिसने रणभेरी बजाकर विद्रोह किया था, और तोपखाने पर इस छावनी का जो तोपखाना था मित्रों इस पर अधिकार कर लिया था, और इस तोपखाने पर अधिकार को छुड़ाने के लिए बम्बई से यूरोपियन सैनिकों की जो एक भालाधारी टुकड़ी आई थी उसने इस तोपखाने पर अधिकार छुड़ाने के लिए सैनिकों पर ये क्रांतिकारियों पर टूट पड़े थे यूरोपियन सैनिक, लेकिन थोड़ी देर बाद इन यूरोपियन सैनिक जो थे इनमें भी देशभक्ति भारतीयता की भावना थी वो जाग गई थी मित्रों, और फिर क्या हुआ कि ये भी इनके साथ मिल गए थे क्रांतिकारियों के साथ। अतः वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी बचे थे कुछ तो भागकर मित्रों चले गए थे ब्यावर, और कुछ नसीराबाद में जो अंग्रेज अधिकारी बचे थे वो वही सदा के लिए धराशायी हो गए। मित्रों ये जो उल्लेख है वो विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक में किया है। मित्रों आगे हम जानेंगे भरतपुर में जो विद्रोह
विद्रोह के क्रम में दूसरा जो विद्रोह होता है वो 31 मई 1857 को भरतपुर में होता है। तो मित्रों जानेंगे अगली वीडियो में भरतपुर के विद्रोह के बारे में।